नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, दौलत सिर्फ पैसों की नहीं होती है, मन की शांति भी एक दौलत है, अपनों का प्यार भी एक दौलत है, लोगों का विश्वास भी एक दौलत है। और आज मैं आपको एक ऐसी दौलत के बारे में बताने वाला हूँ जो पैसों से कई गुना ज़्यादा मूल्यवान है। और ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये कहानी बड़ी मज़ेदार है, इसे ध्यान से सुनिए और इसे अपनी ज़िंदगी में भी उतारिए। बात पुराने ज़माने की है। सऊदी अरब में बुखारी नाम के एक विद्वान रहते थे। बुखारी जी अपने ज्ञान और अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। लोग उनकी बहुत ही इज्जत करते थे और उनसे ज्ञान भी लेते थे। एक बार बुखारी जी सफ़र के लिए समुद्री जहाज़ में निकले। सफ़र कई दिनों का था, इसलिए उन्होंने अपने साथ खर्च करने के लिए 3,000 दिनार लिए। बुखारी जी बहुत ही प्रसिद्ध थे, इसलिए जहाज में लोग उनसे मिलते, उनसे बातें करते और उनके ज्ञान का लुत्फ़ उठाते। सफ़र कई दिनों का था, इसलिए बुखारी जी कुछ लोगों के दोस्त बन गए और उसमें से एक यात्री के बहुत ही नज़दीक हो गए। अब बुखारी जी दोस्ती में गलती कर बैठे। बुखारी जी ने उस यात्री को अपने 3,000 दिनार दिखा दिए। 3,000 दिनार देख के उस इंसान की नीयत बिगड़ी। उसने रातों रात ये दिनार हथियाने की योजना बनाई। दूसरे दिन सुबह जब वो उठा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय मैं तो मर गया, लूट गया, मेरे दिनार चोरी हो गए। लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने पूछा क्या हुआ। तब यात्री ने बोला कि मेरे दिनार चोरी हो गए। जहाज के कप्तान ने कहा, चिंता मत करो, ये समुद्री जहाज है, इसे छोड़ के कोई कहीं नहीं जा सकता। जिसने भी तुम्हारे दिनार चोरी किए हैं वो इस वक्त इस जहाज पर ही होगा। हम एक एक व्यक्ति की तलाशी लेंगे और तुम्हारे दिनार तुम्हें वापस दिलाएंगे। एक एक करके सबकी तलाशी ली गई सिवाय बुखारी जी के, लेकिन किसी के भी पास से दिनार नहीं मिले। अब लोगों ने और कैप्टन ने बुखारी जी की तलाशी लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बुखारी जी की तलाशी लेना तो दूर, वो चोरी कर सकते, ऐसा सोचना भी ये हमारे लिए पाप है। लेकिन बुखारी जी ने बोला कि ये बात गलत है, आप मेरी भी तलाशी लीजिए। आप मुझे मान सम्मान देते, मेरे पर विश्वास करते, मुझे इस बात की खुशी है, मुझे आनंद है। लेकिन जिसके दिनार चोरी हुए हैं ना, उसके मन में एक शंका रह जाएगी। बहुत कहने पे बुखारी जी की भी तलाशी ली गई, लेकिन उनके पास से भी दिनार नहीं मिले। भीड़ रफा दफा हो गई। 2 दिन का समय बीता। 2 दिन बाद वो व्यक्ति फिर से बुखारी जी के पास जाके बैठता है और बुखारी जी को एक सवाल पूछता है कि आपके पास तो 3,000 दिनार थे जो आपने मुझे दिखाए थे, वो तलाशी में क्यों नहीं मिले, वो दिनार कहाँ पे गए। तब बुखारी जी ने जवाब दिया कि वो दिनार मैंने समंदर में फेंक दिए। तुम जानना चाहते हो क्यों? तब यात्री ने पूछा, हाँ बताइए ऐसा क्यों किया आपने। तब बुखारी जी ने जवाब दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मात्र 2 ही दौलत कमाई है, एक ईमानदारी, दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से 3,000 दिनार मिलते और ये मैं कहता कि ये मेरे हैं तो लोग एक बार मान भी जाते, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक शंका, एक डाउट रहता। मैं अपनी ज़िंदगी में 3,000 दिनार क्या 30,000 दिनार भी गवा सकता हूँ, लेकिन अपनी ईमानदारी और लोगों का विश्वास इस दौलत को कभी नहीं गवा सकता। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है ईमानदारी और लोगों का विश्वास। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।